क्या आपको पता है कि आप जो इतने बड़े बड़े ब्रिजेस देखते हो, आखिर उन्हें किस तरह से बनाया जाता है, और आपको इस इमेज में कोई इंसान नज़र आ रहा है या नहीं। अगर आप इन्हीं सब चीज़ों को अच्छे से जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी कर देना। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 9, हम जब भी बड़े बड़े ब्रिजेस को देखते हैं तो उन्हें देखने के बाद सबसे पहला सवाल जो हमारे माइंड में आता है वह यही होता है कि इस बहते हुए पानी के ऊपर आखिर इतने बड़े बड़े ब्रिजेस को कैसे बनाया जाता है, मतलब उनके पिलर्स को पानी पर स्थिर कैसे रखा जाता है। तो ब्रिज बनाने के लिए सबसे पहला जो काम होता है वो होता है कॉफर डैम, और ये जो कॉफर डैम होते हैं वो स्टील की रॉड से बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं जो कभी स्क्वायर या कभी सर्कुलर शेप के होते हैं, और इनका जो वॉल्यूम है वो ब्रिज के जो पिलर है उनसे तय होता है कि कितना मोटा इन्हें बनाना है। और इन कॉफर डैम को फिर शिप्स के द्वारा नदियों में ले जाया जाता है, और फिर जहाँ पर भी पिलर्स बनाया जाता है वहाँ पर इन्हें छोड़ दिया जाता है और मशीनों के द्वारा इसको अच्छे से फिट किया जाता है ताकि वह उस जगह पर अच्छे से फिट हो सके। और जब ये कॉफर डैम अच्छे से उस जगह में फिट हो जाते हैं उसके बाद इसके अंदर का सारा पानी पंप का यूज़ करके बाहर निकाल लिया जाता है, और जब पानी निकल जाता है और सूखी ज़मीन मिल जाती है तब इंजीनियर्स वर्कर्स के द्वारा वहाँ पर पिलर्स बनाने का काम शुरू कर देते हैं, और ऐसे ही देखते देखते सारे पिलर्स तैयार हो जाते हैं। और पिलर्स के तैयार होने के बाद उस पर कुछ हाईटेक एडवांस मशीन का यूज़ करके उसके ऊपर रोड भी बना दिया जाता है, और रोड बनाने के बाद जब सारा काम हो जाता है तो कॉफर डैम को निकाल लिया जाता है, और इसी पूरी प्रक्रिया से बनता है एक पूरा ब्रिज, और ब्रिज बनाने काफ़ी पैसा भी लगता है। नंबर 8, अगर आप एक पीसी यूज़र हो और आप अपने पीसी में क्रोम का यूज़ करते हो और उसे यूज़ करते वक्त अगर आपसे अपनी कोई सी भी इम्पॉर्टेंट टैब बंद हो जाती है गलती से, तो आपको उसे रीओपन करने के लिए बस अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी को प्रेस करना होगा, और ऐसा करते ही आपकी जो टैब बंद हो गई थी वो ऑटोमेटिक से रीओपन हो जाएगी। नंबर 7, क्या आपको पता है कि जो आग होती है उसकी कोई भी परछाई नहीं होती है, और इसी चीज़ को आप अपने घर में प्रैक्टिकली भी ट्राई कर सकते हैं। बस आपको अपने घर के उस कमरे में जाना है जहाँ पे बहुत सारा उजाला रहता हो, और वहाँ पे जाके आपको मैच स्टिक को जलाना है, और फिर उस मैच स्टिक की परछाई आपको दीवार पर देखनी है, तो आप देखोगे कि आपको सिर्फ उस मैच स्टिक की परछाई दिखेगी, आपको आग की कोई भी परछाई नहीं दिखेगी। नंबर 6, क्या आपको पता है कि जितने भी लेटर्स होते हैं उनमें से जे और आई लेटर के ऊपर आपने डॉट तो देखे होंगे, तो फैक्ट ये है कि उन डॉट का भी एक नाम होता है, और वो नाम है टाइटल। और ये जो टाइटल नाम है वो नॉर्मल टाइटल से अलग है, क्योंकि नॉर्मल टाइटल की स्पेलिंग होती है TITLE, लेकिन इसकी जो स्पेलिंग है वो है TITLE। नंबर 5, आपने कई अजीबोगरीब पौधों को तो देखा ही होगा जो दुनिया भर में अपनी कुछ खूबियों के लिए जाने माने हैं, और उन्हीं में से एक पौधा है सेनेसियो पेरेग्रिनस, और ये पौधा की जो खासियत है वो ये है कि इसकी जो पत्तियाँ हैं वो किसी डॉल्फिन से कम नहीं दिखती, मतलब इसकी पत्तियाँ सेम टू सेम डॉल्फिन जैसी ही दिखती है, और अगर कोई इस प्लांट को दूर से देखे तो ऐसा लगता है मानो डॉल्फिन हवा में ही उड़ रही हो। नंबर 4, आपने फ्लो के बारे में तो सुना ही होगा जिसका मतलब होता है कि बहना, तो एक तरह का होता है मेंटल फ्लो, और इसमें क्या होता है कि जो इंसान है वो किसी काम को करने में इतना बिजी हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि टाइम कितना हो गया और वो किस जगह में बैठकर वो काम को कर रहा है। और एग्जांपल के तौर पर कुछ आप ले सकते हो, तो आप जब टीवी में मैच देखते हो या फिर कोई भी इंटरेस्टिंग पिक्चर देखते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि आप जब तक उस पिक्चर को ख़त्म नहीं कर लेते तब तक आपको पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ बैठा हूँ और कितना टाइम हो गया है, और जब आप उस पिक्चर को पूरी देख लेते हो तब आप देखते हो कि इतनी जल्दी 2 घंटे या 2.5 घंटे बीत चुके हैं। नंबर 3, क्या आपको पता है कि जो भी चींटियाँ मर जाती है वो अपने आसपास एक ऐसा केमिकल रिलीज़ करती है जो दूसरी चींटियों को यह बताता है कि वो चींटियाँ मर चुकी है और उसकी बॉडी को कहीं जाकर दफना दो, और अगर यही केमिकल किसी जिंदा चींटी के ऊपर स्प्रे कर दिया जाए तो दूसरी चींटियाँ उस चींटी को भी मृत ही समझेंगी और उसे ज़बरदस्ती दफनाने की भी कोशिश करेंगी। नंबर 2, आपने कई बार ये बात सुनी होगी कि इस दुनिया में बहुत सारे तारे मौजूद हैं, और इसी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक कंपैरिजन देता हूँ कि इस दुनिया में जितने भी रेत के दाने मौजूद हैं, मतलब आप समझ ही सकते हो रेत के दाने कितने छोटे छोटे होते हैं, और इस दुनिया में तो बहुत ही सारे मौजूद हैं, तो उससे भी ज़्यादा इस पूरे ब्रह्मांड में तारे हैं। लेकिन जनरली जब हम अपने घरों की छत के ऊपर देखते हैं तो हमें बहुत कम ही तारे दिखते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी गैलेक्सी इतनी छोटी है कि वो पूरे ब्रह्मांड के लिए एक रेत के दाने से भी छोटी है, और इसीलिए हम इतने सारे तारों को कभी देख ही नहीं पाते। नंबर 1, आपको अपनी स्क्रीन पर जो कुत्ते की इमेज दिख रही है उसमें एक इंसान भी छुपा हुआ है, बस आपको उसे ढूंढ कर निकालना है, और इसके लिए आपको 10 सेकेंड दिए जाते हैं।
अगर आपने उस इंसान को खोज लिया है तो वेल डन, और अगर आप नहीं खोज पाए हो तो मैं आपको बताता हूँ कि जो कुत्ते का कान है वही उस इंसान की टोपी है, और कुत्ते की आँख के नीचे उसका चेहरा मौजूद है जो कि आप देख सकते हो इस सर्कल के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपको आगे ऐसी नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी।